हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज अगेन मैजिकल साइट पीपी ग्रीन साइट मैं आपको आज फिर दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ कि पीपी ग्रीन को मैंने आज तक क्यों कंटिन्यू किया, उसका कॉज उसके पीछे, क्योंकि 34 सेक्टर आपको सबको पता है आपके पैसे में 3 गुना 2 गुना सबके कर चुका हूँ। जिसने मुझसे 2 साल 2.5 साल पहले प्लॉटिंग ली थी 34 में, उनके पैसे मैं डबल ट्रिपल कर चुका हूँ। पर कई लोगों को अभी भी उम्मीद है कि अपने पैसे को डबल ट्रिपल और करना चाहते हैं, क्योंकि डीडीए में सिर्फ एक ड्रॉबैक, वैसे तो डीडीए की प्लॉटिंग शायद वर्ल्ड की सबसे बढ़िया प्लॉटिंग है, मैं उसको बुरा नहीं कहता क्योंकि मैंने काम किया है, बट कमी सिर्फ डीडी की अथॉरिटीज़ में है कि वो उसको डेवलप नहीं कर रही। अगर वो उसको अच्छे से पार्क बना दें, एक गार्डन्स मेंटेन कर दें, कितना पैसा लगता है एक पॉकेट में, सिर्फ हर महीने का आप मान के चलिए कि 20,000 रुपये खर्च आता है या 50,000 आएगा, एंड रजिस्ट्री से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो उसका 1% भी सरकार उसकी डेवलपमेंट पे नहीं लगा रही। अगर डेवलपमेंट हो जाए तो वहाँ घर बनने शुरू हो जाए और पैसा 3 गुना और हो जाए, पर ये काम नहीं हो पा रहा। यही रीजन है मुझे अपने इन्वेस्टर्स के लिए नई नई जगह ढूंढनी पड़ी। पहले मैंने रिलायंस में लगवाया, अभी फिलहाल सबसे बढ़िया बकेट एट दिस टाइम मुझे पीपी ग्रीन ही लग रही है, या फिर अगर जिसके पास बिल्कुल प्योरली वाइट का पैसा है उसके पास, उसके लिए मैं सलाह दूंगा गो फॉर एल्डिको, क्योंकि सोनीपत बेल्ट में मारुति अगले साल आ रही है 2025 में, जिस दिन 800 एकड़ का प्लांट, आप समझिए कितना बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट वही होगा, और ईवी की प्रोडक्शन एंड दुनिया भर की गाड़ियां वहां बनेगी। उम्मीद है कि 1 मिलियन कार्स 2030 तक का टारगेट है, तो ये जितने इम्प्लॉयज आएंगे ये सारे ये कोई नॉर्मल इम्प्लॉयज नहीं होंगे, वाइट कॉलर जॉब्स भी बहुत सारे आएंगे, तो उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए होगी, जो कि सोनीपत में इतनी बड़ी जगह अभी कहीं भी नहीं है। तो ये जो प्लॉटिंग्स बिल्डर एंटर हो रहे हैं, यही प्लॉट इनके पास ही बचे होंगे प्लॉट, ये जिन्होंने खरीदा होगा वही मारुति वाले या दुनिया भर के जो भी लोग आएंगे यहाँ पे, सो सब्सिडरी कंपनी भी आएंगी और भी कंपनीज आएंगी, तो वो आपसे प्लॉट जब मांगेंगी, डिमांड आएगी, तो आप अपने रेट बढ़ा सकते हैं। तो एक भूचाल आने वाला है और इसको कोई रोक नहीं सकता। 34 में बोला था, जो चूक गए, आज 3 गुना नहीं कर पाए अपना पैसा, अब करोगे तो देयर इज ए स्टेबिलिटी, सिर्फ यूरिया के आसपास एक जंप आएगा, ठीक है, और नॉर्मल रहेगा रेट, बट एंड यूजर के लिए बुरा नहीं है। आप जिसने एंड यूजर करना है, जिसको ये मतलब नहीं है रेट बढ़ने पर, ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के लिए, आज इन्वेस्टर ने अगर पैसा 2 गुना करना है और गारंटीड गिवन बाय गुरु नानक प्रॉपर्टी। आपको एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि पीपी ग्रीन में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पैसा मल्टीप्लाई करने से कोई दुनिया का पर्सन इस प्रोजेक्ट के लिए रोक नहीं सकता। फिलहाल बहुत सारे बिल्डर्स अचानक जूम इन करने जा रहे हैं वहां पे, मैं आपको बता दूं, हीरो ग्रुप, गोदरेज ऑलरेडी प्रोजेक्ट, उसका भी मेरा शूट आने वाला है, क्योंकि गोदरेज कंप्लीट कर चुका है प्रोजेक्ट, जिसको बिल्कुल रहने का मन है अगले साल वो गोदरेज में भी रह सकता है। एल्डिको एमआईआ बेच चुके हैं, अमोर के सिर्फ 10-15 प्लॉट बचे हैं, वो भी बिकने वाले हैं इनके, हीरो ग्रुप भी बेच रहे हैं। तो इतने सारे बिल्डर्स अचानक सोनीपत में आने का रीजन सिर्फ एक ही है, मारुति कंपनी अगले साल एस्टैब्लिश होने जा रही है, और बहुत सारे और फैक्टर भी हैं, जैसे यूईआर की कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात पीपी ग्रीन सिटी या बाकी सब प्रोजेक्ट्स में आप घर बना के अगले साल रह सकते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज इन सोनीपत में, क्योंकि बिल्डर बना के दे रहे हैं। और 34 में अभी क्या ड्रॉबैक है कि आप प्लॉट तो ले लो बट बना के रहना पॉसिबल नहीं है, तो ये एक एडवांटेज लोगों को मिली। मैं आपको आज थोड़ा सा बेटे क्लोजअप कर दूं, जब मैं थोड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पानीपत से जब हम दिल्ली आते हैं तो दो यहाँ पे जुरासिक पार्क, उससे 500 मीटर पहले पीपी ग्रीन सिटी आती है। यहाँ दो रोड है इसमें, एक तो ये रोड है जो सिटी के अंदर जाती है, बेटे थोड़ा क्लोजअप कर दो, एक ये 45 मीटर की रोड है, और मैं आपको बता दूं ये जो पार्ट है, ये पार्ट करीबन 10 एकड़ जमीन हमने फालतू ले ली है और सारे प्लॉट्स आ चुके हैं और पूल यहाँ पे, तो एक्सक्लूसिव सिटी बन चुकी है ये। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी है ब्लॉक की आने वाले टाइम में, क्योंकि सीधा 45 मीटर रोड से एंट्री करके आपको अपने घर जाना है। यहाँ पे गेटेड सोसाइटी होगी, पूरा स्विमिंग पूल होगा, टेनिस कोर्ट होगा, गार्डन्स होंगे, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया ब्लॉक आने वाले टाइम में होगा। सो हमारे पास दो प्लॉट्स बचे हैं F44, बेटे डार्क कर दो, ये दो प्लॉट्स हैं, इसको हम स्विमिंग पूल वाले प्लॉट कहते हैं,
42, 43, 44, 45 ये दो प्लॉट स्विमिंग पूल वाले प्लॉट्स हैं, क्योंकि इनमें जो रहेगा वो इन फैसिलिटीज को आराम से यूज करेगा, और यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, आगे जा चुके हैं तो आराम से ये फैसिलिटीज यूज करेगा। बेटे 135 गज का प्लॉट है, बस आखिरी दो प्लॉट हमारे पास पड़े हैं, और ये 110 ये आखिरी प्लॉट 180 गज का, और इनमें एक स्पेशल डिस्काउंट हम देंगे जो कि फोन पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, और ये आपको मिलेंगे प्लॉट्स। उसके बाद कुछ रीसेल के प्लॉट्स हमारे पास आए हैं, एक ये बहुत ही बढ़िया प्लॉट कमर्शियल में जिसको जाना है गो फॉर F6, ये देखिए ये F1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्लॉट है, सीधा 45 मीटर से अंदर आओ एंड यू गेट द प्लॉट। ये बहुत ही बढ़िया प्लॉट है कमर्शियली एंगल से भी, ये जितने भी प्लॉट आपको दिख रहे हैं 45 मीटर रोड पे गाड़ियां यहाँ लग जाएंगी, खाने पीने के सारे आउटलेट्स चलेंगे यहाँ पे और कुछ भी चलेगा। सो ये प्लॉट 55,000 प्लस 10 सॉरी ये प्लॉट की वैल्यू है 50-60 प्लस PLC 60,000 प्लस PLC, गलती से लिख दिया था उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, 60 प्लस PLC 10% PLC लगेगी इस पे। और एक प्लॉट है हमारे पास A24 नंबर, ये ए ब्लॉक भी अच्छा ब्लॉक है, 29 A29 बहुत ही बढ़िया प्लॉट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से A29 की स्टार्टिंग अगर आप देखें तो यहाँ से A29 नंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लॉट है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 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
पे। ये प्लॉट बहुत अच्छे रेट्स पे मैं दे दूंगा। अभी हम 71 बोल रहे हैं, पर मीटिंग में कुछ और भी कर सकता हूँ। मेरे कस्टमर का ही एक प्लॉट है 829, हम इसको सेल पे लगा रहे हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे जिसको खरीदना है खरीद सकता है ए ब्लॉक में। और एक 24 नंबर यहीं पे ही फिर दोबारा प्लॉट है, उसको भी हम 71 के रेट पे देने जा रहे हैं। तो आप पेन एंड कॉपी ले लो। सबसे प्रॉफिट अगर डबल करना है पैसा तो 110 में बहुत जल्दी अभी अभी आपको कमा के दे दूंगा। C92 नंबर नोट कर लो, 120 गज का प्लॉट है, 60,000 का रेट है। ये नक्शा आप मुझसे मंगवा सकते हैं। C99 150 गज का 60 का रेट, C95 150 गज का 60,000 का, C67 ये ब्लॉक अच्छा ब्लॉक है 140 गज का 60,000 का, C77 नंबर 140 गज का 60,000 का, A63 नंबर अच्छा प्लॉट है 154 गज का 70, और F66 60,000 प्लस PLC 10%। तो मैंने आज आपको सारे रीसेल के प्लॉट्स बताए हैं। अगर कमाई करना चाहते हो तो A109 था बिग गया, बट A110 आखिरी प्लॉट है जो कि मैं जिसमें मैं आपको कुछ महीनों में ही पैसा आपका बहुत अच्छा मल्टीप्लाई करके दूंगा। तो A110 के बारे में मैं फिर एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको आना है, ठीक है, सीधा अंदर आए यहाँ पे, मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है देखिए दोबारा। यहाँ से आप अंदर आए, अंदर वाली रोड से सीधा एंटर हुए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 110। क्यों वैल्यू बढ़ेगी 110 की? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 80,000 से 90,000 का रेट आने वाला है। तो जब 80,000 से 90,000 का आ जाएगा तो ये प्लॉट की वैल्यू भी 80,000 से 90,000 होगी। सो अगर कमाई करना चाहते हो तो फोन उठाओ, 110 के लिए इमीडिएट कॉल कर दो, क्योंकि ये प्लॉट मैं 109 के लिए भी बोलता था बिग गया, 110 के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी कोई ले सकता है, कमाई हो जाएगी। आप फोन उठाओ और कॉल करो और अपना एक प्लॉट बुक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।